Hello everyone, how are you all? Today's conversion is benzene to 4-bromo-nitrobenzene, right? So let's quickly start it. So first of all, benzene, हम सबको पता है क्या होता है, right? 4-bromo-nitrobenzene, इसके नाम को सुनकर जरा ध्यान से समझते हैं. पहले देखो नाइट्रोबेंजीन, तो पहले बेंजीन के ऊपर एक नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन. और अब अगर मैं नंबरिंग करूं तो यहां पे नंबर 1, 2, 3, 4, तो फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दो. सो दिस इज 4-bromo-nitrobenzene, राइट. तो पहले अगर आपने ये प्रोडक्ट सही से समझ लिया कि क्या बनाना है, अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग. तो बेसिकली मुझे बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन भी लगाना और मुझे NO2 ग्रुप भी लगाना है. तो एक अच्छी चीज है, अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे तो एक नाइट्रेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है. तो नाइट्रेशन में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लगता है. कैसे, HNO3H2SO4 के साथ. मैं क्विकली आपको बता देता हूं, बाकी डिटेल्ड वीडियो आपको अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप उसको देखो और उसके पूरे मैकेनिज्म को समझो. तो अगर आपने बेंजीन में नाइट्रिक एसिड और H2SO4 को डाला तो बेंजीन के ऊपर NO2 लग जाता है, ये बात सिंपल है, राइट. नाउ सिमिलरली एक होता है ब्रोमिनेशन बेंजीन के ऊपर, वो कैसे होता है ध्यान से समझो. अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन ब्रोमीन और FeBr2 के साथ करवा देता हूं तो काफी हद तक फ्रिडलक्राफ्ट टाइप की रिएक्शन होती है और बेंजीन के ऊपर एक ब्रोमीन भी लग जाता है. अगर आप ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लगाना चाहो तो क्लोरीन भी लग जाएगा. तो ये दो अलग रिएक्शन है, ठीक है, एक हो गई नाइट्रेशन और एक हो गई ब्रोमिनेशन. अब इन दोनों रिएक्शंस को मिक्स करना है मुझे, क्योंकि ये जो हमें क्वेश्चन पूछा गया इसमें ब्रोमीन भी लगाना है और नाइट्रो भी लगाना है. तो अब जब दो लोगों को लगाना है तो सवाल ये कि पहले कौन सा लगाए. हमको दोनों चीजें लगाने आती, अगर मैं पहले नाइट्रिक एसिड डाल दूंगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, अगर मैं पहले ब्रोमीन डाल दूंगा तो ब्रोमीन ग्रुप लग जाएगा. तो अब सवाल ये है कि दोनों में से पहला कौन सा करें. अब इसका आंसर बड़ा सिंपल है, आप ये लॉजिक सुनो ध्यान से और ये लॉजिक आगे भी बहुत रिएक्शंस में काम आएगा. आई होप आप साथ में लिखते जा रहे हो, राइट. अब लॉजिक सिंपल से ये है कि जब एक नॉर्मल बेंजीन है तो इसमें 6 कार्बन है, 6 के 6 कार्बन आइडेंटिकल है, पहला ग्रुप आप कहीं भी लगा दो. तो मान लो पहला ग्रुप G1 ग्रुप का नाम है, तो पहला ग्रुप मैंने कहीं भी लगा दिया. बट अब जब आप दूसरा ग्रुप लगाने की बात करते हो ना तो वो कहां आएगा ये पहला ग्रुप डिसाइड करता है, बिकॉज पहला ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होता है और मेटा डायरेक्टिंग भी हो सकता है, राइट. तो अब अगर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको दूसरा ग्रुप अगर इस जगह लगाना है तो ये पहला ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए, बिकॉज ये ऑर्थो मेटा पैरा. तो पहले ग्रुप के रिस्पेक्ट में आपको दूसरा ग्रुप कहां लगाना है, दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड. अब अगर मैं इस क्वेश्चन पे वापस चलूं तो क्वेश्चन में हमको क्या बनाना था, हमको 1-4 पोजीशन पे एक तो NO2 और एक ब्रोमीन चाहिए. तो बेसिकली ये एक दूसरे की पैरा पोजीशन है. अब आप एक चीज इमेजिन करो, अगर मैंने पहले नाइट्रेशन कर दिया, पहले नाइट्रो ग्रुप लगा दिया और फिर मैंने ब्रोमीन डाला तो ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. मुझे पता क्या मिल जाएगा, मुझे नाइट्रो के मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन आता हुआ दिख जाएगा. तो अगर मुझे मेटा पोजीशन बनानी होती तो मैं पहले नाइट्रेशन करता HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और फिर नाइट्रो ग्रुप का नेचर ऐसा होता कि वो ब्रोमीन को मेटा पोजीशन पे ले आता. बट यहां पे तो मुझे मेटा नहीं चाहिए, मुझे पैरा चाहिए, तो मैं उल्टा करूंगा. उल्टा मतलब मैं पहले बेंजीन की रिएक्शन कराऊंगा ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeBr2, तो मुझे ब्रोमो बेंजीन मिल जाएगा. और अब ब्रोमीन का जो नेचर होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है. अब अगर मैंने HNO3 और H2SO4 बेसिकली नाइट्रेशन किया तो यहां पे ब्रोमीन के साथ इसके पैरा पोजीशन पे NO2 आ जाए, राइट. तो जब भी किसी बेंजीन ग्रुप के ऊपर, बेंजीन के ऊपर दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले किसको लाएं और बाद में किसको लाएं,
क्योंकि जो बाद में आएगा वो वहां आएगा जहां पहला ग्रुप चाहेगा कि वो आए। तो जब तक इट्स वेरी सिंपल कि जब तक बेंजीन अकेला है तो सारे के सारे कार्बन आइडेंटिकल है, तो पहला ग्रुप कहीं भी आ जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब दूसरा ग्रुप आ रहा है तो वो हमेशा पहले के रिस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे आता है, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी। तो आई होप इस छोटे से कन्वर्जन रिएक्शन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन दोनों करनी है तो अगर आपको मेटा प्रोडक्ट चाहिए तो पहले क्या करना है बाद में क्या करना, और अगर आपको पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो पहले क्या करना है बाद में क्या करना। नाउ दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स विल फेच यू अ लॉट ऑफ मार्क्स इन योर एग्जाम। तो आई होप आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स एग्जाम्पल्स के थ्रू, इन क्वेश्चंस के थ्रू अपने नोट्स में लिखते जा रहे हो, बिकॉज आई कैन प्रॉमिस यू दिस, एक बार आपने सारी कन्वर्जन देख ली ना तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होने लगेंगे, बिकॉज आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज क्यों करते हैं और कब करते हैं। एंड दिस इज द बेसिस ऑफ जीओसी। मैक्सिमम बच्चों को जीओसी में जो इशू होता है, जीओसी इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक, और मैं हर कन्वर्जन रिएक्शन के थ्रू आपको कुछ बेसिक्स ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपने सारे बेसिक्स सीख लिए तो इवेंचुअली योर ऑर्गेनिक विल बिकम वेरी गुड, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन लेके आता हूं। अभी के लिए बाय बाय।